आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड कंट्रोवर्सी, जहां पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जिसके तार बच्चन परिवार के साथ जुड़े हैं। ये बात आप सब जानते हैं, बच्चन परिवार के रिश्तों में जो प्यार है उसके चर्चे पूरे गलियारों में होते हैं, और इसी वजह से इस परिवार को एक आदर्श परिवार कहा जाता है। लेकिन नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ये कहानी भी आपने सुनी है। इम्परफेक्शंस आर ऑलवेज देयर, ये कहावत भी आपने सुनी है। तो जब बच्चन परिवार के रिश्तों की तारीफें होती हैं, उनकी मिसालें दी जाती हैं, चर्चा बेटी और बहू के बीच भेदभाव को लेकर भी होती है। अमर सिंह, जो हाल ही में अमिताभ बच्चन से माफी मांगते हुए आप सभी को नजर आए हैं, उन्होंने सालों पहले अपने इंटरव्यू के दौरान बच्चन परिवार के रिश्तों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इस परिवार में बेटी और बहू के बीच भेदभाव किया जाता है। ऐश्वर्या राय बच्चन इस परिवार में खुश नहीं है। आज सालों बाद जया बच्चन एक समारोह में पहुंची, जहां पर उन्होंने बेटी और बहू को लेकर उनके परिवार में क्या नियम है, बेटी और बहू के साथ बच्चन परिवार में कैसा बर्ताव होता है, ये खुलासा किया। क्या कुछ कहा जया जी ने, सुनिए जरा। बीटाउन की प्रतिष्ठित बच्चन परिवार की अगर चर्चा करें तो आप सब ये बात जानते हैं कि ये परिवार अपने संस्कारों को लेकर, अपनी रिश्तों को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर हमेशा चर्चे बटोरता है। बच्चन परिवार के रिश्तों पर हमेशा कई तरह की खबरें सुनने में आती हैं। अब इस परिवार की सबसे अहम सदस्य जया बच्चन का एक इंटरव्यू होता है, जहां वो अपने परिवार के रिश्तों पर खुलकर बातचीत करती है। जी हाँ, जया बच्चन एक इवेंट में पहुंची, एक थिएटर प्ले में, जहां पर उनसे इन्हीं सब को लेकर कई तरह की बातें की गई। इस नाटक की कहानी विजय तेंदुलकर ने मराठी में लिखी। इसका हिंदी का पहला शो राजीव वर्मा के निर्देशन में हुआ। 1 घंटे 45 मिनट के इस नाटक में 7 कलाकारों ने एक्टिंग की और जया बच्चन यहां गेस्ट के रूप में मौजूद थी। जया ने जब ये नाटक छू देखा तो वो काफी ज्यादा भावुक हो गई। शो के बाद उन्हें लेकर जाते समय एक लड़की ने उनके पैर छूने चाहे, जया जी ने उस लड़की को रोक लिया। मंच पर आकर कहा, कोई लड़की मेरे पांव छुए ये मुझे पसंद नहीं, आखिर बेटियां कब तक झुकती रहेंगी। जया जी यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद उन्होंने अपने परिवार से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। आप सब ये बात जानते हैं, बच्चन परिवार में सास बहू के रिश्ते को लेकर आए दिन खबर आती है। कंट्रोवर्सीज अगर उठाकर देखी जाए, अमर सिंह के बयानों की पोटली अगर खोली जाए, तो आप सब जानते हैं ये दावा हमेशा से लोग करते रहे हैं कि जया बच्चन को अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से मसला है। ये बात हमेशा से कही जाती रही है कि जया बच्चन ऐश्वर्या से काफी ज्यादा खफा रहती है। इन सबके बीच में जया बच्चन जब इस प्ले के दौरान मंच पर गई, मंच पर जाकर उन्होंने बताया, मैंने अपने घर में यह सिद्धांत बना रखा है कि बेटी और बहू पांव नहीं छुएंगी, बेटी और बहू को मैं पांव जरा भी छूने नहीं देती। जया जी कहती है, स्त्री परिवार की सबसे अहम सदस्य होती है, वो हर दर्द सहकर भी परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती है। माँ परिवार की प्रताड़ना का शिकार होती है, नाटक के बारे में उन्होंने बातें की। और जया जी ने कहा कि हर परिवार में बेटी और बहुओं को एक जैसा दर्जा मिलना चाहिए, हर परिवार बेटी और बहू को एक जैसा सम्मान अगर दे तो कोई बेटी और कोई बहू कभी तकलीफ में नहीं रहेगी। बता दें आपको, जया बच्चन ने कहा कि मेरी बहू ऐश्वर्या भी घर में नहीं झुकती, मैंने
ऐश्वर्या के पांव छूने पर भी पाबंदी लगा रखी है। आखिर हमारे देश में बेटियां कब तक झुकेंगी? बता दे आपको, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। बताया जाता है कि ऐश्वर्या अपने तरीके से जब घर गृहस्थी को चलाने का सोचती हैं, तो सास जया को आपत्ति होती है। सास जया को ये तमाम चीजें पसंद नहीं है, लेकिन अपने इंटरव्यू में जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन के प्रति अपने बर्ताव पर जया बच्चन ने बातें कही, उनसे मालूम पड़ता है कि बच्चन परिवार में सास और बहू का रिश्ता काफी अच्छा है। बच्चन परिवार में सास बहू का ये रिश्ता काफी ज्यादा ही शानदार है। बच्चन परिवार में सास और बहू के इस रिश्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखना होगा आगे आने वाले वक्त में कि जया बच्चन अपने परिवार को लेकर जो बातें कह रही हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन कब इस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपनी सास के बारे में इतनी ही प्यारी बातें बोलती हैं। तो जया बच्चन ने कहा है कि उनके परिवार में जो नियम कानून बेटी श्वेता के लिए है, वही बहू ऐश्वर्या के लिए है। भेदभाव का कोई सिस्टम नहीं है। अंत में हम यही कहेंगे, सास और बहू के बीच थोड़ी खटर पटर तो होती है, घर घर की कहानी है। तो जब खटर पटर की आवाज बच्चन परिवार से आए इतना ज्यादा, इस पर जुबान भला क्यों चलानी है। अब आगे बढ़ते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन, कोई कुछ भी कहे, बिग बी के ट्विटर हैंडल की कहानियां एक अलग ही किस्सा बयां करती है। अब बिग बी ने एक पोस्ट किया है जिससे ये मालूम पड़ता है कि जिम जाकर कसरत कुछ ज्यादा कर ली और रात को जब सोने के लिए पलंग पर लेटे हैं तो दर्द हो रहा है मांसपेशियों में। बिग बी क्या लिखते हैं अपने नए ट्वीट में, देखिए जरा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ट्विटर हैंडल पर रहते हैं काफी ज्यादा एक्टिव और आए दिन कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई वीडियो शेयर कर ही देते हैं। बिग बी अक्सर सोशल मीडिया पर कोई ना कोई तस्वीर ऐसी शेयर करते हैं, कोई ना कोई पोस्ट ऐसा डाल देते हैं जो हर जगह चर्चे बटोर जाता है। हम आपसे बात करेंगे ऐसे ही पोस्ट के बारे में जिसे अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया है। आप इस वक्त उसे हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। बिग बी लिखते हैं, आज जिम में कुछ जरूरत से ज्यादा दबा, चला, उठा लिया, मन ने जो बोला हिम्मत करके उसे एक स्थान दिया। अब रात्रि बेला में कुछ करवटें पड़ रही हैं अति ढीली, प्रातः पता चलेगा कौन मांसपेशियां पड़ गई हैं नीली। स्कूल में जब बेंट पड़ती थी तो सुबह ज्ञात होता था हमें, पिछले अंग में दिखाई देती थी काले रंग की लकीरें। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट से, उनकी इस पंक्तियों से मालूम पड़ता है कि जिम में कसरत बिग बी ने ज्यादा कर ली है और इसी कसरत के बाद अमिताभ बच्चन जो है वो काफी ज्यादा थक गए हैं। इसी कसरत के बाद अमिताभ बच्चन थोड़ा सा दर्द में हैं। बीती रात बिग बी ने ये ट्वीट किया। अगले ट्वीट को आप देखिए, डिसिप्लिन इज बीइंग एबल टू फोर्स आवर सेल्फ टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ हाउ वी फील ओवर एंड ओवर अंटिल इट बिकम्स अ हैबिट। अनुशासन अपने साथ जबरदस्ती करते रहना, बार बार उसका अनुभव हमें चाहे कैसा ही क्यों ना लगे, जब तक कि वो एक आदत ना बन जाए। इस तस्वीर और इस कैप्शन के जरिए बिग बी अपने फॉलोअर्स को जिंदगी में डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज्यादा जरूरी है वो अमिताभ बच्चन बता रहे हैं। तो फिलहाल देखा आपने किस तरह से बिग बी ट्विटर हैंडल पर एक्टिव रहते हुए भी नहीं भूलते हैं सीधे तौर पर बातचीत करना अपनी जिंदगी के बारे में। तो बिग बी के पोस्ट से तो यही मालूम पड़ता है कि जिम के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, बॉडी में पेन हो रहा है। खैर, 77 साल की उम्र में भी बेहद फिट है अमिताभ बच्चन और अपनी फिटनेस को ध्यान में रखने के लिए थोड़ा दर्द तो सहना पड़ता है। गाइस, आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।